कि कुछ जरूर हकीकत साफ हो पाएगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, और अब रुक करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। अभी दिल्ली के शैतान साहिल की रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात के चर्चे शांत नहीं हुए कि अब मध्य प्रदेश के सीहोर में दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। प्रदेश के सीहोर में एक करबला पुल के पास एक युवक ने दूसरे युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। यह हमला इतना दर्दनाक था कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी ने युवक पर कुल्हाड़ी से कई वार किए, इतने वार किए कि शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। युवक की मौके पर ही मौत हुई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सनकी ने युवक पर वार किया तो शरीर के सात टुकड़े कर दिए। पास मौजूद लोग चिल्लाते रहे, लेकिन आरोपी नहीं रुका। बताया यह भी जा रहा है कि सिराड़ी का ये रहने वाला आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जो पिछले 5 दिनों से हाथों में कुल्हाड़ी लेकर घूम रहा है और फिर वारदात को अंजाम दे गया। वैसे गर्मियों में आग लगने की घटना आए दिन सामने आती रहती है, कई बार गाड़ियों में भी आग लगने की घटना सामने आती है। लेकिन सोचिए, लग्जरी गाड़ियों में शुमार, कार में आग लगे तो बात सोचने वाली होगी। ये तस्वीर हम आपको इंदौर से दिखा रहे हैं, जहां सुपर कॉरिडोर पर चलती कार में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। तस्वीरों में दिख रही कार ये कोई आम कंपनी की नहीं है, बल्कि ये BMW कंपनी की कार है। ये कार धू धू कर जल रही है। हालांकि आग लगते ही कार सवार भाग कर बाहर निकल आए। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया। आशंका जताई जा रही है कि कार में आग AC में तकनीकी शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से लगी। मुरैना में 7 फेरे लेने से पहले एक दुल्हन शादी के मंडप से लापता हो गई। जब दूल्हे और उनके परिजनों को मामले की जानकारी दी गई तो उनके होश फाख्ता हो गए। इसके बाद सभी ने मिलकर दुल्हन को ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। फिर लड़के वालों ने कोतवाली थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। दरअसल राजस्थान के बाड़ी शहर निवासी एक परिवार अपनी लड़की की शादी कराने के लिए मुरैना आया था, और वर पक्ष के लोग मुरैना के ही हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के लोगों के द्वारा आनंदी वाटिका में खुशी खुशी शादी का कार्यक्रम चल रहा था। सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे शादी का वक्त आया, दोनों पक्षों के लोगों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। चर्चा तो ये भी है कि दहेज को लेकर कुछ दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। उधर दुल्हन तैयार होने के लिए पार्लर गई हुई थी, लेकिन दुल्हन वापस नहीं लौटी। कुछ देर बाद दुल्हन पक्ष के लोग भी एक एक कर शादी समारोह से निकल गए। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गंगा दशहरे पर प्रदेश के कई शहरों में धूम है। कहीं गंगा दशहरा पर लोगों ने स्नान किया तो कहीं पेशवाई निकाली गई। ये तस्वीरें उज्जैन की हैं, जहां नीलगंगा क्षेत्र के पंचदशनाम जूना अखाड़ा परिषद के द्वारा पेशवाई निकाली गई। पेशवाई निकाली से पहले ध्वज की पूजा की गई और फिर पेशवाई निकली। बग्गी पर महामंडलेश्वर के नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर भी सम्मिलित हुए और विभिन्न मार्गों से होते हुए नीलगंगा सरोवर पहुंची पेशवाई। इसके बाद माँ गंगा का पूजन कर नीलगंगा सरोवर में स्नान किया गया। वही रास्ते में नागा बाबाओं ने शस्त्र से प्रदर्शन भी दिखाए। तस्वीरें देखिए, कितनी सुंदर और मनोहर तस्वीरें हैं। पेशवाई की शुरुआत उज्जैन से हस्त पढ़ाव स्थल नीलगंगा से हुई है, और इसमें बैंड बाजी के साथ बड़ी संख्या में साधु संत शामिल हुए। नीलगंगा सरोवर में गंगा पूजन पश्चात माँ नीलगंगा को 108 फीट की चुनरी चढ़ाई गई। आतिशबाजी के साथ महाआरती का आयोजन भी हुआ। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा द्वारा सिंहस्थ 2016 के बाद 2017 से नीलगंगा स्थित जूना अखाड़ा घाट पर गंगा दशहरा उत्सव प्रारंभ किया गया। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और आए दिन हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों को लेकर लोग उत्तेजित हो जाते हैं। लोगों में गुस्सा इस कदर होता है कि वो किसी भी घटना को अंजाम देने के लिए आतुर रहते हैं। ये मामला भी कुछ ऐसा ही है। दरअसल जबलपुर में स्विमिंग पूल में नहाने को लेकर युवकों और कोच के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि लोगों के बीच मारपीट शुरू हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन बैठे। वजह इतनी छोटी कि आप सोचकर भी हैरान रह जाएंगे। भला नहाने को लेकर कौन मारपीट करता है। हालांकि विवाद बढ़ते देख पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने ले जाकर मामले में पूछताछ की और जांच शुरू कर दी है।
किसे पता था कि वैष्णो वाली माता का आशीर्वाद लेने जा रहे लोगों की ये आखिरी यात्रा होगी। वो सभी निकले थे माता के दर्शन के लिए, लेकिन हादसे ने कईयों को कईयों से दूर कर दिया। दरअसल जम्मू की कटरा में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। करीब 15 किलोमीटर दूर झज्जर कोटली के पास एक बस पुल से नीचे गिर गई। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई और 55 लोग घायल हो गए। बस अमृतसर से वैष्णो देवी जा रही थी। बस में 75 यात्री सवार थे और ये सभी बिहार के रहने वाले थे। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, अन्य लोगों को हल्की चोटें आई हैं। गंभीर रूप से घायल लोगों को जीएमसी जम्मू में भर्ती कराया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बस के परखच्चे उड़ गए। तस्वीरें बताते हैं कि हादसा कितना भयावह था। मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना कूनो चीता प्रोजेक्ट चर्चा में पहले भी था, अब भी है। पहले चीते की आने की खबर चर्चा में रहती थी और अब चीतों की मौत की खबर चर्चाओं में है। चीतों को बचाने की खबर चर्चा में है। फैसला हुआ था कि चीतों को राजस्थान भेजा जाएगा, लेकिन अब यह फैसला बदल दिया गया। अब राजस्थान नहीं, गांधी सागर अभ्यारण्य में चीते शिफ्ट किए जाने हैं। इसके लिए भोपाल में बैठकें हुई और बैठक में वन मंत्री पहुंचे। चीतों का पुनर्वास कराने का फैसला किया गया। चीता पुनर्वास परियोजना को लेकर भोपाल में मंथन हुआ। केंद्रीय वन मंत्री पहुंचे। मंत्री ने नवंबर से पहले गांधी सागर अभयारण्य को तैयार करने के निर्देश दिए। एनटीसीए ने कहा कि वन्य प्राणियों की दवा और उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म करनी होगी। ये रंग देखिए, ये ढंग देखिए, ये उमंग देखिए, ये तरंग देखिए, ये साथ देखिए, ये मस्ती देखिए। देखिए, क्योंकि हमारा दावा है कि इससे पहले ऐसा नजारा आपने नहीं देखा होगा। बाबा बागेश्वर, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, पर्ची वाले बाबा, बालाजी सरकार के भक्त, आप इन्हें कई नामों से जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन बाबा का ये रंग, ये मस्ती पहले नहीं देखी होगी। देखा होगा कई बार उनका भव्य पंडाल, व्यास पीठ पर विराजे महाराज और उनका दिव्य दरबार भी। सुने होंगे उनके प्रवचन, हिंदू राष्ट्र का आह्वान और सनातन की चिंता करते हुए घर वापसी का प्रण भी। लेकिन बाबा का ये अंदाज नहीं देखा होगा। मस्ती में मलंग होकर मयूर के संग बाबा का ये उमंग भरा रंग, मोर भी नाचा और बाबा को भी नचाया। एक ओर सफेद रंग के चोगे में बाबा हैं, तो दूसरी ओर अपनी सुंदरता को दिखाता, उस पर इठलाता, पंख फैलाकर नाचता ये मोर, मानो दोनों एक दूसरे के रंग में रंग गए हों, एक दूसरे के संग नाच रहे हों। मयूर के नाच के संग बाबा का ये रंग लोगों को भी खूब भा रहा है। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और लोग जमकर इसे देखकर कमेंट भी कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की नशे के खिलाफ मुहिम का इंदौर में खासा असर दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि इंदौर का 56 दुकान बाजार नशा करने वालों पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला बाजार बन गया है। इसके लिए बाजार के गेट पर बकायदा कैमरे और गार्ड तैनात किए गए हैं, जिससे कोई भी नशा करके आने वाला व्यक्ति बाजार में प्रवेश न कर सके। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय युवाओं को नशे से दूर रखने की मुहिम चला रहे हैं। इस मुहिम का असर शहर में दिखने लगा है। नशा मुक्ति अभियान की पहल करते हुए अपने स्वाद के लिए देश और दुनिया में मशहूर 56 दुकान बाजार ने पहल करते हुए नशा करके आने वालों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए बाजार के दोनों प्रवेश द्वारों पर महिला और पुरुष गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। वो लोगों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। धू धू कर जलता ये ट्रक, उस पर ट्रक के उड़े ये परखच्चे। ये तस्वीरें मंडला की हैं, जहां 100 फीट नीचे खाई में एक ट्रक गिर गया। मंडला और जबलपुर मार्ग पर मंगलवार की सुबह एक सड़क हादसा हो गया। हादसे के दौरान निवास में सकरी घाटी के चलते एक ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। काफी ऊपर से गिरने के कारण उसमें आग लग गई।
ट्रक के चालक ने जलते ट्रक से कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। निवास से बरेला की ओर जाते समय सकरी घाटी के नजदीक ट्रक अनियंत्रित हो गया और 100 फीट नीचे खाई में गिरने से उसमें आग लग गई। दुर्घटना के समय ट्रक में चालक अकेला था। वो ट्रक से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल हुआ। चूंकि घाटी क्षेत्र में किसी भी मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलता, यही कारण है कि दुर्घटना की जानकारी समय पर पुलिस को नहीं दी जा सकी। घाटी क्षेत्र से गुजरने वाले अन्य लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी है। पुलिस ने दुर्घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जगदलपुर शहर से लगे नकटी सिमरा गांव में आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। ग्रामीण बिजली, पानी और सड़क की समस्याओं से जूझ रहे हैं। जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारी तक से गुहार लगा चुके हैं। थक हार कर ग्रामीण महिलाएं पीएचई विभाग और कलेक्ट्रेट पर पहुंची। प्रशासन के बड़े अधिकारियों से अपनी समस्याएं बताने लगी, लेकिन वहां भी कोई जिम्मेदार अधिकारी उनसे मिला नहीं। नाराज महिलाओं ने पीएचई के असिस्टेंट इंजीनियर को ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ में हाथियों का उत्पात अक्सर देखा जाता है। कभी हाथी जंगल से शहरी इलाकों में पहुंचकर मकानों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो कभी हाथी ग्रामीण इलाकों में फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां बलरामपुर के रामानुजगंज वन परिक्षेत्र में हाथियों ने डेरा डाल रखा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हाथियों का झुंड कैसे उत्पात मचा रहा है। हाथियों के उत्पात से ग्रामीण दहशत में है। ग्रामीण पूरी कोशिश में जुटे हैं कि हाथियों को किसी भी तरह जंगल की ओर खदेड़ा जाए। वन विभाग को सूचना दे दी गई। वहीं वन विभाग लोगों को अलर्ट करते हुए हाथियों के पास नहीं जाने की अपील कर रहा है। जहां एक तरफ हाथियों ने उत्पात मचा रखा है, तो दूसरी तरफ भालू की दहशत देखने को मिल रही है। वैसे तो सर्कस वाला भालू कई तरह के करतब करके दिखाता है, जिसे देखने के लिए लोग बड़े शौक से आते हैं, लेकिन ये जंगली भालुओं की दहशत इस कदर है कि लोग घरों में छिपे हुए हैं। कांकेर के एकता नगर में भी भालू का कुछ ऐसा ही दहशत का नजारा देखने को मिला, जहां एक घर के दरवाजे पर भालू खड़ा है, जिसके बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि भालू कैसे घर के बाहर घूम रहा है। वो घर के अंदर आने की फिराक में है, लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से वो अंदर नहीं आ सका। वहीं भालू की तस्वीरों को लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया। पेंड्रा में हाथियों का उत्पात अक्सर देखा जाता है। कभी हाथी ग्रामीण इलाकों में फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां धुसरिया बीट में हाथियों के दल ने डेरा डाल रखा है। हाथी लगातार फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण अब चिंतित हैं। तो वहीं वन विभाग ने ग्रामीणों को पास नहीं जाने की अपील की है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह 5 हाथियों के झुंड ने खेतों में डेरा डाल रखा है और फसलों को बर्बाद किया जा रहा है। यहां हाथियों ने किसानों की फसलों को रौंद दिया है। हाथियों की दहशत के कारण कई लोग घर छोड़कर दूसरे गाँव चले गए हैं। इधर ग्रामीण लगातार हाथियों के कारण खतरे में जी रहे हैं, तो वहीं वन विभाग का लापरवाह रवैया भी सामने आया है। असम शिवसागर बाजार में एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी तेजी से फैली कि आग की लपटें नजर आने लगी। आग कपड़े के गोदाम में लगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं आग कितनी तेजी से फैल रही है। हालांकि आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से किसी के भी हताहत होने की सूचना तो नहीं है, लेकिन काफी माल का नुकसान हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस आग लगने की वजह की जांच में जुट गई है।